फ्रेंड्स, ये अगस्त महीने की ई दृष्टि का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो को आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। तो देखिए, ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो सिंपल सी बात है कि समाज के एक जो है तबके से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये बात सही है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। अगला है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। तो पदेन उपाध्यक्ष इसके सचिव नहीं होंगे, बल्कि जो है राज्य मंत्री जो होंगे, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री जो होंगे वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस परिषद का कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण करने में केंद्र सरकार को सलाह देना है। तो आपको पता होगा ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, और आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ क्या कहते हैं आयोग बनते हैं या परिषदें बनती हैं, जैसे आप देखेंगे SC ST जो कमीशन बनाया गया है, या OBC को लेकर के जो कमीशन बनाया गया है, तो ये सब जो निकाय होते हैं, जो बॉडीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के इस वर्ग से, जिस वर्ग से वो जुड़ी होती हैं, उनके संदर्भ में केंद्र सरकार को नीति बनाने में, पॉलिसी बनाने में एक सलाह प्रदान करती हैं। और उस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं जिसको मैंने सेकेंड नंबर के पॉइंट में बताया था कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे ये मैंने आपने देख लिया, उपाध्यक्ष कौन होंगे ये आपने देख लिया, प्लस इसके सदस्य कौन होंगे वो भी देख लेते हैं। तो परिषद के अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 प्रतिनिधि। देखिए, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि इस परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 प्रतिनिधि शामिल होंगे, प्लस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, और एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनको क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर से संबंधित मामलों में विषय विशेषज्ञता होगी, जो एक्सपर्ट होंगे वो लोग इसमें शामिल होंगे। और अगली न्यूज झारखंड सरकार को लेकर के है कि 14 अगस्त 2020 को झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया। इस प्रतीक चिन्ह में हाथी किसका द्योतक है, तो इस प्रतीक चिन्ह में हाथी द्योतक है अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जो मगध साम्राज्य था, जो बिहार और के हिस्से में जो है विकसित हुआ था, वहाँ पर जो है हाथी किस प्रकार से आगे चल करके रोल अदा करती है अन्य राज्यों को विजित करने में, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वहाँ की जो जंगल है वो भरपूर जो है प्राकृतिक संपदा से भरे हुए हैं, वहाँ पर हाथी पाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने हाथी को अपना राजकीय पशु भी घोषित कर रखा है। लेकिन सवाल यहाँ उसके नए प्रतीक चिन्ह को लेकर के है, तो थोड़ा उसको देख लेते हैं। दरअसल प्रतीक चिन्ह में हरे रंग की वृत्ताकार परिधि में हाथी को दर्शाया गया है, पलाश के फूल को दर्शाया गया है, और इस प्रतीक चिन्ह के ऊपरी भाग में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, नीचे वाले हिस्से में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, प्लस जो हरा रंग है वो झारखंड की हरियाली को दर्शाता है, जो वहाँ की वन संपदा है उसको इंडिकेट करता है, उसको दर्शाता है। और जब झारखंड के लोगों को आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जहाँ पर बताया गया है कि हरे रंग की परिधि में जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हरे रंग की परिधि में हाथी को दर्शाया गया है, उसके बाद में जो है पलाश के फूल को दर्शाया गया है, फिर वहाँ की लोक संस्कृति को दर्शाया गया है, और बीच में अशोक स्तंभ को चित्रित किया गया है, ऊपर के साइड में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, और नीचे के हिस्से में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और अगली न्यूज SBI बैंक को लेकर के है, आइए देख लेते हैं। पहले यहाँ पर तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का MD नियुक्त किया है, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, जिसको हिंदी में प्रबंध निदेशक बोलते हैं, वो नियुक्त किया गया है। वर्तमान में SBI के म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वो कार्यरत हैं। उनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक रहेगा। उन्होंने PK गुप्ता के स्थान पर यह नियुक्ति पाई है, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि अश्विनी भाटिया ने SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति पाई है, उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने PK गुप्ता का स्थान लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेशंस जो है SBI का उसको भी देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अनुसार बैंक के अधिकतम 4 प्रबंध निदेशक होते हैं, जिसमें से एक की नियुक्ति अश्विनी भाटिया हो गए और बाकी 3 के नाम है, जिसमें से
सी एस शेट्टी, दिनेश कुमार खेर तथा अरिजीत बसु हैं। तो तीन ये और अश्विनी भाटिया, ये चार हो गए। और उसके बाद में रजनीश कुमार वर्तमान में SBI के चेयरमैन हैं। देखिए SBI से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बैंकों के क्या कहते हैं विलय के पश्चात SBI जो है इस समय सबसे बड़ा अपने यहाँ बैंक बन चुका है, बड़े बैंकों में से एक बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी इसको प्राप्त हो चुकी है। आइए सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है। सवाल है कि अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, अश्विनी भाटिया नियुक्त हुए हैं। अब इसका आप उत्तर तो अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। प्लस CS शेट्टी कौन है, ये भी अतिरिक्त जो है वो प्रबंध निदेशक हैं, क्योंकि अधिनियम क्या कह रहा है, अधिनियम कह रहा है कि यहाँ पे चार प्रबंध निदेशक होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंध निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। वहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है कि क्या प्रबंध निदेशक की नियुक्ति जो हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स की नियुक्ति RBI के थ्रू होती है, तो RBI के थ्रू नहीं होती है, केंद्र सरकार के थ्रू होती है। 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का स्थानांतरण कर उन्हें कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया है, तो उन्हें बनाया गया है मेघालय के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। देखिए सत्यपाल मलिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्यपाल मलिक जो है जम्मू कश्मीर के भी ये गवर्नर रह चुके हैं, उप गवर्नर रह चुके हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगस्त 2020 में समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु गुणवत्ता जांच नियंत्रण प्रयोगशाला गुजरात में कहां उद्घाटित की गई है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये गुणवत्ता जांच नियंत्रण प्रयोगशाला गुजरात के पोरबंदर नगर में स्थापित की गई है। अब इसके काम क्या होंगे ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार की समस्या बीते दिनों में बहुत ज़्यादा देखी गई थी। पहले इसको हम देख लेते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ये कि इस प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण हैं जिससे एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं जैसे कैडमियम, सीसा, पारा, आर्सेनिक का समुद्री खाद्य उत्पादों में उपस्थित का पता लगाया जाता है। तो देखिए बीते दिनों में पारा को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई थी। पारा जो है वो पानी में मिल गया था और पानी के माध्यम से वो मानव शरीर में भी जा रहा था, खाद्य जाल के माध्यम से मानव शरीर में उसका संग्रहण हो रहा था, तो बहुत सारी बीमारियां इससे पैदा हो रही थी। तो इसलिए इस प्रकार की जो धातुएं हैं उनका पता लगाने के लिए इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। और साथ ही में जब इस प्रकार की धातुओं का पता लगाया जा सकेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के जो मैरीन प्रोडक्ट हैं, चूँकि मोदी जी ने एक ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा रखी थी, तो इससे जो है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो समुद्री प्रोडक्ट हैं उनको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट किए जाने की बात कही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे क्या होगा कि समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा, और जब ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय नियामक के अनुसार सुनियोजित हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, जो समुद्री अर्थव्यवस्था है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 2020 को किस देश ने हिंद महासागर के तट पर फंसे जापानी स्वामित्व वाले एक जहाज से तेल रिसाव होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। हाल ही में जो है जापान के एक जहाज जिसका नाम था MK वकाशियो, तो इसी MK वकाशियो नामक जहाज जो है वो मॉरिशस के पास में जो है वो उसके तट से फंस गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जहाज लगभग 4000 टन ईंधन ले जा रहा था, इसके निचले हिस्से में दरारें आ गई जिससे तेल रिसाव हो गया। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में नीले रंग के पानी में गहरे रंग का तैलीय पदार्थ फैलता दिखा। फ्रांस ने मॉरिशस की मदद हेतु विशेष दल और उपकरण भेजे। दरअसल फ्रांस ने इसलिए मॉरिशस की सहायता की क्योंकि उसी के पास जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस का एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से अपने पड़ोसी की सहायता किया है मॉरिशस ने। आइए मॉरिशस को और रीयूनियन आइलैंड को हम दोनों को मैप पर देख लेते हैं, चूँकि ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और जब यहाँ पर आप इसको मैप पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हिंद महासागर में मॉरिशस आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मॉरिशस है और लगभग मॉरिशस के दक्षिण पश्चिम में जो है फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड है और मॉरिशस के पश्चिम में जो है मेडागास्कर है। तो एक प्रकार से मॉरिशस जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का ही जो है वो देश है। तो इतनी बातें ध्यान में रखना है, आप ऐसे ट्रायंगल ध्यान रख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पर आपका मॉरिशस है, यहाँ पर आपका रीयूनियन आइलैंड है और आपका इधर पे क्या है और मेडागास्कर है।
और वर्ष 2020 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, संस्कृति दिवस नहीं है, संस्कृत दिवस की बात हो रही है, जो हमारे यहाँ की भाषा है, संस्कृत भाषा जो है उसकी बात हो रही है। तो ये मनाया गया 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2020 को विश्वभर में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, विश्व संस्कृत दिवस है, राष्ट्रीय नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर मनाई जाती है। संस्कृत भाषा को विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक मनाया जाता है। उद्देश्य इसका है कि संस्कृत भाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया जाए। केंद्र सरकार ने 1996 से इस दिवस को मनाने का निर्णय किया है। वर्ष 2020 में संपूर्ण विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया गया। 1 से 7 अगस्त 2020 के दौरान संपूर्ण विश्व में विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया, माफ करिएगा, दिवस नहीं, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। वर्ष 2020 में इस सप्ताह का मुख्य विषय जो रहा, जो थीम थी, वो थीम थी सपोर्ट ब्रीस्ट फीडिंग फॉर ए न्यू हेल्थियर प्लानर, इसका प्लैनेट इसका थीम थी। उल्लेखनीय है कि यह सप्ताह विश्वभर में शिशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने और स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष सप्ताह जो है वो 1 से 7 अगस्त को इस बार मनाया गया। प्रतिवर्ष जो है विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, 7 अगस्त को देश भर में 6वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 6वां इसलिए मनाया गया क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 29 जुलाई 2015 को हुई थी। और किस लिए हुई थी? क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन था हमारे यहाँ, वो 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 अगस्त 1905 को कल कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोलकाता लिखा हुआ है, ठीक है? तो उस समय क्या था? उस समय कलकत्ता था, एट प्रेजेंट जो है ये कोलकाता है। तो उस समय इसको मनाया गया था और भारत में 29 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। तो उस समय आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उस आंदोलन की शुरुआत में जो हमारे यहाँ की जो स्वदेशी चीज़ें थी उनके उत्पादन पर जोर दिया गया था। तो चूँकि ऑलरेडी अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे यहाँ के जो हथकरघा उत्पाद थे, जो हमारे यहाँ के हैंडलूम थे, उनको नष्ट कर दिया गया था, तो हथकरघा उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण इस दिवस की बात ये रही है कि इस समारोह में हथकरघा मार्ग योजना के लिए, यानी कि सरकार क्या कर रही है, जो वस्त्र मंत्रालय है हमारे यहाँ, वो जो है इस दिवस के उपलक्ष्य में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समारोह आयोजित की थी। और इस समारोह में हथकरघा मार्ग योजना के लिए मोबाइल ऐप, बैक एंड वेबसाइट तथा भाई हैंडलूम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो 3 पहल रहे हैं इसके महत्व।